यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता, मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता, मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनत हूँ, अब तो मैं सनत हूँ। मैं एक छोटा सा वचन जल्दी आपका आगे रखना चाहता हूं, जिसे आराधना हो रहे प्रोकात्मा दो तीन शब्दों मेरे मन के अंदर दिया। एक शब्द ऐसे था, कुटकुटाना नहीं है। कुटकुटाने का मतलब क्या है? कंप्लेंट है ना। जब समय से आएगा, मुसीबत आएगा, निराशा जिंदगी में बढ़ेगा, हम ऐसे हमेशा कंप्लेंट करने वाला एक व्यक्ति बनना नहीं है। देयर इज लॉट ऑफ पीपल, काफी ऐसे लोग है कुछ समस्याओं के बीच में हमेशा कुटकुटा के बैठेगा, मेरा जिंदगी क्यों, देखो ये क्या हुआ है, मैं इतना प्रार्थना किया, मैं इतना आराधना किया, मैं इतना उपवास में बैठा, फिर भी मुझे कुछ हुआ नहीं, मुझे कुछ आशीष मिला नहीं। हालेलुया, प्रभु क्यों मेरा प्रार्थना सुनता नहीं है। हालेलुया, बाकी सबको काफी आशीषों मिला है। कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स, कुटकुटाने वाला लोग। सबसे पहले मैं कलीसिया को बोलना चाहता हूं, हम सभी लोगों का जिंदगी में कुछ ना तो कुछ समस्या होगा, लेकिन उस समस्याओं के बीच में कुटकुटाना नहीं है। Do not give up, hallelujah। दुख का निराशा का शब्द आपका मुंह से आना नहीं है, क्यों करके पूछना नहीं है, मगर hallelujah, इतना अच्छा परमेश्वर का पीछा करने के लिए मौका मिला बोल के धन्यवाद के साथ में दिल को उम्मीद से अब बढ़ो। hallelujah, दिल को उम्मीद से बढ़ो। hallelujah, मैं कल कोई दुनिया का लोगों का कुछ बातों सुन रहे था। hallelujah, दुनिया का लोग मतलब इसे मोटिवेशनल स्पीकर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका जो एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा। अभी दसवां कक्षा का एग्जाम जैसे पूरा हो गया, खत्म हो गया, रिजल्ट आया केरला में। उन्होंने क्या कहा मालूम है, आजकल क्या होते मालूम है, जैसे दसवां कक्षा का रिजल्ट आएगा काफी बच्चों सुइसाइड करते हैं। उन्होंने क्या कहा मालूम है, जानवर से कष्ट इंसान का अवस्था। हालेलुया, जानवर से नीचे इंसान का बुद्धि। उन्होंने क्या कहा मालूम है, उन्होंने कहा देखो बच्चों, स्कूल में हार गया तो भी क्या करेगा, जाके सुइसाइड करेगा, ना तो सोचेगा मैं जाके मर जाएगा। उन्होंने क्या कहा मालूम है, एक शेर एक खरगोश को पीछा किया, पहले दिन वो हार गया, खरगोश बच गया, उस दिन शेर को खाना मिला नहीं, शेर जाके क्या करेगा, सुइसाइड करेगा क्या, फांसी लगाएगा क्या। सेकेंड डे भी शेर क्या करेगा, उसी खरगोश को शिकार करेगा, उसका पीछे भागेगा। थर्ड डे क्या करेगा, थर्ड डे भी वही करेगा। फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, छह बार उसका पीछे भागा, छह बार वो हार गया, फिर भी वो अपना फांसी लगाने के लिए सोचेगा नहीं। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है, इंसान जानवर से बहकूफ है। हालेलुया, इंसान जानवर से बहकूफ है। धन्यवाद देते प्रभु जी को। हालेलुया, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, अपना आत्मिक जिंदगी में, अपने आर्थिक विषय में जब समस्याओं में आएगा, जब हार जाएगा कुछ विषयों में, आपको कुटकुटाने का जरूरत नहीं है, निराशा में डूब जाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, एक दिन आप आगे बढ़ पाओगा, एक दिन आपका जिंदगी में जीत मिलेगा। जो दुनिया को नहीं है वैसे एक मददगार, एक सहायक आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया, आपका पास जो अपॉर्चुनिटी है, दैट इज नॉट द लास्ट अपॉर्चुनिटी। हेलो, और दूसरा अपॉर्चुनिटी आएगा, दूसरा रास्ता आएगा। एक बार हार गया और भी एग्जाम अटेंड करेगा, सही है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हारेगा बोल के, जिंदगी फेल हो जाएगा बोल के जो भाई है, उसको हमें क्या करना है, दिल के अंदर से उस जगह उम्मीद से भरना है, उस जगह बोलना है जब यीशु मेरा साथ में है, मैं हारने वाला नहीं। हालेलुया, आगे मुझे प्रभु का महिमा देख पाऊंगा, आगे मैं प्रभु का महिमा जरूर देखने वाला है। आज सबका दिल को उम्मीद से भरो, आज का सिचुएशन को मत देखो। अब क्या देख रहे, अभी आपका आजू बाजू में क्या हो रहे, उस बातों को आप देख रहे। प्रभु ने बोला सिर झुका के मत बैठो, सिर उठा के देखो।
सिर उठाएगा तो क्या होने वाला है, माइल माइल दूर में जो बात तुम अब देख पाऊंगा। आज प्रोकात में बोल रहे अभी का सिचुएशन को मत देखो, अभी का स्थिति को मत देखो, सिर उठा के देखो, सिर उठा के भविष्य के ओर दृष्टि लगाओ, सिर झुका के देखेगा तो अभी क्या हो रहे वही देखेगा, सिर उठा के ओ हालेलुया भविष्य के ओर दृष्टि लगाएगा तो अब देखेगा परमेश्वर आपके लिए क्या आगे रखा है। हालेलुया भाई बहनों, आप सबके लिए प्रभु ने रखा है कुछ बातों। शैतान बोलेगा तेरा खत्म हो गया, कभी हम जब अपना आजू बाजू में देखेगा कुछ है नहीं ये उधर, हालेलुया, लेकिन सिर उठा के आगे देखो। आज कोई भी सिर झुका के बैठा है, कोई भी दुख के साथ में बैठा है, कोई भी खाली होके बैठा है, कोई भी कुटकुटा के बैठा है, उनसे प्रभु का आत्मा बोल रहे सिर उठा के देखो, सिर उठा के देखो, हालेलुया। दक्षिण का ओर, पश्चिम का ओर, पूर्व का ओर, पश्चिम का ओर, हालेलुया, उत्तर दिशा का ओर, सिर उठा के देखो, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं अपना परमेश्वर खालीपन को दूर करने वाला परमेश्वर है, खालीपन को दूर करने वाला परमेश्वर जिंदगी में बहुत बड़ा समस्याओं को सामना करेगा। एक परमेश्वर का बच्चा क्या करना चाहिए मालूम है, उनको पीछे मुड़ के देखना है। क्या मुड़ के देखना है, आज तक कैसे परमेश्वर ने चलाया, पिछले 10 साल, पिछले 5 साल, पिछले 20 साल, 30 साल कैसे चलाया, कितना बार आपका अग्नि के भट्टी के अंदर आपको साथ देने के लिए वो आया था, हालेलुया, ही वाज देयर, कितना बार प्रभु ने आपको चंगाई दिया था। अब एक नया समस्या आया, अब वो सब कुछ भूल गया, हालेलुया, उनको उपकारों को भूल गया, भूल के क्या कर रहे, भूल के हम कुटकुट आ रहे, हालेलुया, उसको उपकारों को भूलना नहीं है मेरा प्यारो। यीशु के समय में भी काफी चमत्कार देखा हुआ, लोग क्या किया मालूम है, उस चमत्कारों को भूल गया। यीशु के समय में भी हाल इतना चमत्कार देखने के बाद में भी काफी यीशु के चेलों को भी समझ खोला नहीं, समझ का मतलब कि अंडरस्टैंडिंग है ना। मैं आपको पूछना चाहता हूं हम ऐसे कितना लोगों को अंडरस्टैंडिंग खोला है, किस विषय में अंडरस्टैंडिंग खोलना है, हालेलुया, समझ कहां खोलना है। कल तक चलाए परमेश्वर आज भी चलाने के लिए विश्वास योग्य बोल के अपना समझ खोलना है। अगर अपना समझ बंद है तो वो समझ हालेलुया अंधा है तो हमें यह बात सोच नहीं पाऊंगा। आज प्रोकात्मा बोल रहे अपना अंडरस्टैंडिंग को जरा खोलने के लिए प्रार्थना करो। एक बार यीशु ने उनके चेलों को यही शब्दों पूछा, यीशु डायरेक्टली उनको पूछा, हालेलुया, तुम क्यों समझता नहीं है, पूछा, क्या बोला, तुम क्यों हालेलुया समझता नहीं है। मरकुस का सुसमाचार 8वां अध्याय में अपना ध्यान लाइए, उसका 21वां वचन पढ़िए, क्या तुम अब तक नहीं समझते, हेलो वन सेकंड, यीशु क्या पूछ रहे, अब तक तुम नहीं समझा, किस विषय के बारे में, हालेलुया धन्यवाद यीशु, क्या यीशु परमेश्वर के पुत्र करके अभी तक समझा नहीं, वो तो पहले ही समझाए, परमेश्वर का वचन सच्चे करके समझा क्या, वो भी पहले ही समझाए, लेकिन अभी क्या किस चीज के बारे में यीशु बोल रहे। अंग्रेजी में मेरा हाथ में जो एनआईवी लिखा है, डू यू स्टिल नॉट अंडरस्टैंड, डू यू स्टिल नॉट अंडरस्टैंड, क्या अभी तक तुमको समझ में आया नहीं, क्या समझ में आया नहीं, मैं अद्भुत करने वाला है करके, आपका रोटी का विषय में मैं अद्भुत करने वाला है करके, अभी तक तुम्हें समझ में आया नहीं। इधर बड़े बड़े बातों को कुछ समझ के बारे में नहीं बोल रहा हूं, इधर ट्रिनिटी का फंडा तक क्या तुम्हें समझा क्या करके पूछा नहीं, हेलो ट्रिनिटी का डॉक्ट्रिन क्या है समझ में आया क्या, ऐसे पूछा नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र करके तुम्हें समझ में आया क्या, वो पूछा नहीं, वो सब कुछ उनको पहले से जानते, हेलो, फिर क्या समझ में अभी तक आया नहीं, सिंपल थिंग आई कैन डू ए मिरेकल फॉर यू, हालेलुया, सिंपल थिंग आई कैन डू ए मिरेकल फॉर यू। अपने पास बड़े बड़े बातों का काफी समझ है मेरे प्यारों, हम बोलते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हम बोलते हैं स्वर्ग का महिमा चोट के आया, हम बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिया का दैवक का परमेश्वर के बारे में, लेकिन डू यू हैव दैट सिंपल समझ, हालेलुया, डू यू हैव दैट सिंपल नॉलेज,
कौन सा नॉलेज है? ही इज अवर हीलर, ही इज अवर हीलर, ही इज अवर हीलर. पूछ रहे, डू यू बिलीव दैट? हालेलुया. डू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग? क्या वो समझ अंदर है क्या? अगर वो समझ पाएगा तो अपना डे टू डे जिंदगी और आसान होने वाला है. हम कुटकुटाना बंद करने वाला है. हम निराशा में डूब जाएगा नहीं. नाउ आई वांट यू, हालेलुया, अभी मैं कहना उस वजन आप पढ़ना चाहते हैं, कम, हालेलुया. आठवां अध्याय का 17 से पढ़िए. यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? बस बस, वन सेकंड, आई वांट टू एक्सप्लेन दैट. अगर इसमें लिखा है, जीसस वॉज अवेयर ऑफ देयर डिस्कशन. हालेलुया. अभी डिस्कशन क्या हो रहे मालूम है? आज का रोटी के बारे में हो रहे. हालेलुया. अभी बहुत बड़ा डिस्कशन अंदर चल रहे. रोटी लेके आए, आज क्या खाएगा? यीशु ने पहले ही बता के दिया क्या खाएगा क्या पिएगा करके, तुम्हें चिंता करने का. अभी पर्सनल डिस्कशन नहीं है, सब मिलके डिस्कशन कर रहे. हालेलुया. कुछ चिंता नहीं कर रहे, पूरा फैमिली अभी क्या कर रहे? हेलो. कुछ चिंता नहीं कर रहे, पूरा कलीसिया अभी. हालेलुया. अब वो कॉन्टेस्ट जरा समझ लो. अभी सारे चेलो मिलके चिंता कर रहे, टेंशन है एक, क्या कैसे हम बताएगा यीशु को जो रोटी लेके हम आया नहीं. उन्होंने बोला था रोटी लेके आने के लिए, सही है ना? यीशु को यह सुन के बहुत दुख हो गया. क्यों दुख हो गया? क्योंकि अभी तक इनका समझ खोला नहीं, अभी तक इनका समझ ऐसे खोला नहीं, यीशु मेरा जरूरतों के लिए काफी है. अगर यह समझ खोलते तो यह डिस्कशन इधर होने वाला. हेलो, कितना लोगों को समझ में आ रहे? ये समझ इनको होते तो ये दुखी होने वाला नहीं था. आपका समस्याओं के बीच में जब कुटकुट आएगा, स्वर्ग से आपको देखे क्या बोल रहे मालूम है? देखो मेरा बेटा का समझ अभी तक खोला नहीं, उनको समझता नहीं है. व्हाट आई कैन डू फॉर हिम, मैं उनके लिए क्या कर पाऊंगा, उसका बारे में उसका समझ अभी तक खोला नहीं. सब हमारा रगा जगह सारदल करे हलखंदा रगा जगह से. मैं पूर्ण रूप में विश्वास करते कुछ दिलों से प्रभु का आत्मा बात कर रहे. कुछ दिलों का खालीपन, कुछ परिवारों का खालीपन प्रभु बदलना चाहते हैं, कुछ खाली अवस्थाओं को प्रभु बदलना चाहते हैं. यीशु ने उनको क्या पूछा मालूम है? अब तक तुम ये जानते नहीं है तुम, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया? मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया? लास्ट वीक्स एंड उसका पहले का हफ्ता काफी लोग चंगाई पाया कलीसिया के अंदर. नंबर ऑफ पीपल गॉट हील्ड, आई बिलीव दैट. हालेलुया. और प्रत्यक्ष रूप में गवाही भी आया. हालेलुया. पीपल गॉट हील्ड. हालेलुया. और परमेश्वर का आत्मा आज वापस क्या पूछ रहे बलवे? अगर उस चंगाई को आप प्राप्त करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, आपका दिल कठोर हो गया है. कैसे कठोर हो गया है? एक वॉल, एक दीवार बना के रखा, वैसे आप क्या किया है? आपका दिल के अंदर उस चंगाई को, उस हीलिंग को प्रवेश करने के लिए आप रोका है. हालेलुया. स्टबर्न हार्ट. हालेलुया. एक हार्ड एंड ना, एक कठिन हो गया दिल, क्या करेगा मालूम है? यीशु का चंगाई को रोकेगा, यीशु चूने के लिए कोशिश करेगा उसको रोकेगा. दे डू नॉट नीड द हीलिंग. जो चाहिए नहीं उसको जबरदस्ती करके यीशु खिलाएगा? नहीं खिलाएगा. क्या नहीं? कोई बोला मुझे नहीं मांगते, यीशु बोले चलेगा, जो मांगने वाला काफी है ना उनको मैं दे देगा. हालेलुया. कैसे काफी लोग हैं? वो बोलते मुझे चंगाई का जरूरत, मुझे छुटकारा का जरूरत नहीं है. यीशु ने बोला उनका दिल कठोर हो गया है. आज प्रभु की उपस्थिति में आके बोलो, प्रभु जी इस चेलों का जैसे मेरा दिल कठोर होना नहीं है. हालेलुया. मेरा दिल को नरम कर दो. जैसे अपना दिल नरम हो जाएगा, यीशु बोलेगा ठीक है, मैं बेटा तुम्हें छूने वाला है, बेटी मैं तुम्हें छूने वाला है. हालेलुया. हाउ दैट अंडरस्टैंडिंग माय डियर चर्च. हालेलुया. आज सुबह एक चमत्कार के लिए, छुटकारा के लिए आपका दिल को नरम बनाओ, ऐसा सॉफ्ट बनाओ. हालेलुया. ऐसा सॉफ्ट बनाओ. हालेलुया. रिसेप्टिव हो जाओ. क्या हो जाओ? स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ.
रिपल मत करो, फिर क्या है कठोर दिल में यीशु छूने के लिए कोशिश करेगा तो उधर हिट होकर रिपल हो जाएगा, जैसे आशीष का पैकेट, जैसे छुटकारा का पैकेट आपके ओर प्रभु डालेगा। अगर आपका दिल कठोर हो गया, इस समझ नहीं है कौन सा समझ, जीसस इज स्टिल वर्किंग फॉर मी, ही इज सफिशिएंट फॉर मी, ही विल डू अ मिरेकल फॉर मी। इफ यू डू नॉट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, यू नो व्हाट विल हैपन, दैट मिरेकल विल रिपल फ्रॉम यू, दैट मिरेकल विल रिपल, दैट मिरेकल विल रिपल। आपके और फेंका उस हीलिंग एक रबर बॉल जैसे एक दीवार में लगा के कहना वापस बाउंस हो रहे, वैसे आपके पास से दूर चला जाएगा हो। लेकिन उसी जगह आपका समझ खोल के आप रिसेप्टिव बन गया, हालेलुया, आपका दिल को नरम बनाया, वो जो बॉल फेंकेगा वो अंदर चला जाएगा, एंड दैट विल डू इट्स वर्क, हालेलुया, उसका काम करेगा। आज रिसेप्टिव बन जाओ, आज बोलो प्रभु जी मैं हाथ बढ़ा के, मैं हाथ आगे करके, हालेलुया, उस आशीष को, उस छुटकारे को मेरा और खींचने के लिए, मेरा और शिकार करने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु जी। एवरीबडी से सभी लोग बोलो हालेलुया। रोटी के बारे में मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं है, उसका बारे में मुझे चर्चा करने का जरूरत नहीं है। आमेन, हालेलुया, क्यों? क्योंकि यीशु मेरे साथ में है। यीशु बोल रहे ये समझ पाओ, ये समझ एक बार पाया फिर ये चर्चा होने वाला नहीं है, ये समझ एक बार पाया फिर कुटकुटाने के शब्दों में आने वाला नहीं है, ये समझ एक बार आया, हालेलुया, शैतान का काम बटने वाला है। शैतान अभी क्या कर रहे हैं मालवे, शैतान को एक परमेश्वर का बच्चा को हालेलुया दबाने के लिए, उनको क्या बोलते हैं मूड ऑफ करवाने के लिए, उनको निराशा में डुबाने के लिए बहुत आसान है। क्या आसान है मतलब, कैसे मतलब, छोटा रोटी का बारे में थोड़ा गड़बड़ डाले तो उस दिन से फिर उसका आराधना बंद, हालेलुया। लेकिन जब यह समझ खोलेगा शैतान अभी बोलेगा अभी ये हथियार चलने वाला नहीं है, कौन सा हथियार, आज तक रोटी के बारे में बोल के मैं उनको दुखी बनाता था, लेकिन अभी इस बंदे का समझ खोल गया, इस बंदे का समझ रोटी से बड़ा हो गया, हालेलुया। आज तक इनका समझ रोटी के लेवल में, कौन से लेवल में, हालेलुया, आज तक समझ रोटी के लेवल में। यूहन्ना चटवा अध्याय का 33वां वचन में 23, 24, 25 आई थिंक उधर ऐसे लिखा है, यीशु रोटी बांटा उस जगह में से तिबरियोस का इलाका में काफी लोग आया, उधर काफी लोग क्यों आया मालूम है, क्योंकि उनको जानते था यीशु के पास जाएगा तो रोटी बांट के दे देगा, तो उनका सबका समझ कहां तक पहुंच जाए मालूम, रोटी तक पहुंच जाए, हालेलुया। रोटी तक अगर अपना समझ है तो हम रोटी जब खत्म हो जाएगा हम कुटकुटाना शुरू करेगा, रोटी तक अपना समझ है तो जब हालेलुया अपना रेशन बंद हो जाएगा हम चर्चा करना शुरू करेगा, लेकिन रोटी से अपना समझ बढ़कर हालेलुया। व्हेन यू स्टार्ट टू हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोवाइडर, हेलो, देयर इज बिग डिफरेंस। Now our understanding is about provision, but when you have that level of understanding about your provider, hallelujah, वो हिंदी में कैसे बोलेगा, अभी तक अपना सोच रोटी के बारे में, लेकिन hallelujah रोटी देने वाला के बारे में एक समझ खोल के मिलेगा, hallelujah, आपका दादा आपको देने वाला, रोटी प्रोवाइड करने वाला के बारे में एक समझ मिलेगा, रोटी के बारे में फिर चिंता करेगा नहीं। इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग, हालेलुया, क्या करो अंडरस्टैंडिंग को, रोटी के लेवल से हमें अंडरस्टैंडिंग पाना है प्रोवाइडर का लेवल में, हालेलुया, सब लोग बोलिए ही इज अवर प्रोवाइडर, हालेलुया, आमेन, आमेन, यीशु अपना अन्न दादा है, हालेलुया, यीशु अपना अन्न दादा है, हालेलुया, विश्वास करेगा क्या? आमें, आमें। काफी लोग बोला फाइनेंशियल इश्यू है,
अभी तक अपने फाइनेंस के बारे में हम चिंता कर रहे था, लेकिन समझ और बढ़ा के बोलो, ही इज अवर फाइनेंशियल, ही इज अवर प्रोवाइडर, ही इज अवर फाइनेंशियल, ही इज अवर प्रोवाइडर। मेरा अन्नदाता यीशुए, मेरा अन्नदाता यीशुए इज नॉट जस्ट अवर हीलर, हालेलुया, वो अपना अन्नदाता है, हालेलुया, इतना विश्वास करेगा अन्नदाता है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन ऐसे सुन के जाना नहीं मेरा प्यारो, इट्स अ सिंपल वर्ड बट टेक हालेलुया। ये वचन को दिल के अंदर लेके अगले दिनों में प्रैक्टिकली विषयों का सामना करो। कुछ चिंता करने का विषय आएगा, समस्या आएगा, अभी इस वचन को सोच के बोलो, मेरा समझ का लेवल रोटी का लेवल नहीं है, मेरा समझ का लेवल प्रोवाइडर का लेवल है। आई नो हु इज विथ मी, आई नो हु इज विथ मी, ही इज माई प्रोवाइडर, हालेलुया। क्वेश्चन, यीशु का क्वेश्चन अंग्रेजी में लिखा है, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट हैविंग नो ब्रेड। आज हम हमसे भी प्रभु वही बोल रहे, खाना नहीं है ना तो रोटी नहीं है करके तुम क्यों आपस चर्चा कर रहे, हालेलुया। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट हैविंग नो ब्रेड, क्योंकि लेवल उधर ही है, हालेलुया। ऐसे क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोवाइडर इधर है, प्रोवाइडर इज हियर। If the provider is here, hallelujah. वो provider का विशेषता क्या है मालूम है? Do you what is special with this provider? Hallelujah. अपना ध्यान मत्ती के सुसमाचार में chapter 15 में उसका 32 से पढ़ेगा तो उधर लिखा है, come on church, ध्यान से सुनो। बहुत बड़े भीड़ को यीशु ने देखा और बोला, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वो तीन दिन से मेरे साथ में, उनके पास कुछ खाने को नहीं। जीसस नो योर सिचुएशन, यीशु आपका समस्या को जानते और उसका आगे, कम ऑन चर्च, यीशु क्या कहा, आई डू नॉट वॉन्ट टू सेंड देम एम्प्टी। आज कलीसिया में जितना लोग आया उन सबको प्रभु क्या बोल रहे मालूम है, आई डू नॉट वॉन्ट टू सेंड देम एम्प्टी, हालेलुया। आज जितना लोग इस कलीसिया में बैठे हैं आपको देखे यीशु बोल रहे, मैं उनको भूखा पेट के साथ में विदा नहीं करना चाहता हूं। हल्का शांत होना, इस आराधना शुरू हो गया उस समय से मेरे मन के अंदर ऐसा सोचता, प्रभु आपका प्रजा आपको हुजूरी में आया है, हालेलुया। आपका प्रजा बहुत समस्याओं के साथ में आया है, बहुत क्वेश्चंस लेके आया है, वो भूखा आया है, उन्हें खाली खाली पेट से वापस मत भेजो, हालेलुया। प्रोकात्मा इधर बोल रहे, यीशु बोल रहे, आई डू नॉट वॉन्ट टू सेंड देम, हालेलुया, एम्प्टी, हालेलुया, मैं उनको खाली वापस भेजना। आज हमें भी देखे यीशु वही बोल रहे, मैं उनको खाली हाथ के साथ में नहीं भेजना चाहता हूं। Jesus is here. He want to fill your emptiness. Hallelujah. आपका जो खाली पन को वो पूरा करना चाहता, जो विषय में आप खाली है, He want to fill your emptiness. Hallelujah. आज कुछ लोग बोलो, मेरा अन्नदाता इधर है, वो मुझे बर्फ के भेजने वाला है, बर्फ पूरी के सब में मैं जाने वाला है। मेरा प्रोवाइडर इधर है, मैं खाली जाने वाला नहीं है, आज मैं बर्फ पूरी के सब में जाने वाला है। भरपूरी के साथ में वापस जाएगा करके कितना लोग विश्वास करते, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। कलवारी के क्रूस में यीशु ने लहू बहाया, कलवारी के क्रूस यीशु ने लहू बहाया, मेरे सारे पापों को प्रभु जी तूने मिटाया, मेरे सारे पापों को प्रभु जी तूने मिटाया, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं।
गया, दिल में शांति भर गया, भय बीती निकल गया, दिल में शांति भर गया, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ। बादल के खंभे के नीचे, पवित्र पंखों के नीचे, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता, मेरा पिता बन गया, यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता, मेरा पिता बन गया, अब तो मैं सनत हूँ, अब तो मैं सनत हूँ, अब तो मैं